सीएम केजरीवाल चुपचाप। दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूरी ने दिल्ली के सीएम से पूछा है कि वह सीएम आवास निर्माण पर आए खर्च का जवाब क्यों नहीं देते। जनता के सवालों का जवाब देने की बजाय केजरीवाल हमेशा की तरह जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी रामलीला मैदान में महारैली को असफल करार देते हुए प्रतिपक्ष के नेता बिधूरी ने कहा कि केजरीवाल इस रैली को विपक्षी दलों की रैली बनाना चाहते थे। वह पिछले कई दिनों से देश भर में विपक्षी नेताओं के यहाँ चक्कर लगा रहे थे, लेकिन कोई बड़ा विपक्षी नेता इस रैली में आने के लिए तैयार नहीं हुआ। कितनी हैरानी की बात है कि केजरीवाल रामलीला मैदान की रैली में महंगाई का मुद्दा उस दिन उठा रहे हैं जिस दिन उनकी पार्टी की सरकार ने पंजाब में पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा दिए। दिल्ली में भी वैट की दर पड़ोसी राज्यों से ज्यादा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे शेयर करना ना भूलें और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।